गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मीन्स विनियोग या फिर निवेश का क्या अर्थ है। निवेश से अभिप्राय एक समय अवधि के दौरान उत्पादन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत साज सामान के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से है। अब जैसा कि साधारण बोलचाल की भाषा में पहले से स्टॉक मार्केट में उपलब्ध अंश या फिर स्टॉक, ऋण पत्र, प्रतिभूतियों की खरीद को ही हम क्या मान लेते हैं, निवेश मान लेते हैं, किंतु ये वास्तविक निवेश नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, केवल वर्तमान परिसंपत्तियों का हस्तांतरण मात्र होता है। इसीलिए निवेश से अभिप्राय हमारा क्या है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान उत्पादन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत साज सामान के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से लगाया जाता है। निवेश के प्रकार या रूप, निवेश कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश से आशय उस निवेश से है जो आय के स्तर से स्वतंत्र तथा आय बेलोच होता है, मीन्स ये विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे जनसंख्या, श्रम शक्ति, नए अनुसंधान तथा आविष्कार, नवप्रवर्तन, मौसम, युद्ध आदि अन्य कारणों से प्रभावित होता है। कौन सा किस प्रकार का निवेश, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सरकार या फिर निजी क्षेत्र द्वारा जो सामाजिक ऊपरी व्यय पर व्यय किया जाता है, जैसे सड़कों, नहरों, बांधों, स्कूलों, चिकित्सालयों भवनों आदि पर किया गया व्यय स्वायत्त निवेश कहा जाता है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस चित्र में ओ एक्स एक्स के समानांतर रेखा जो है I1 के रूप में क्या दर्शाया गया है, स्वायत्त निवेश को दर्शाया गया है, जो हमें क्या बताता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर निवेश की मात्रा क्या है, स्थिर बनी रहती है। जब आय के अतिरिक्त अन्य जो कारक है उनसे प्रभावित होकर निवेश की मात्रा बढ़कर क्या हो जाती है, I2 पहुँच जाती है, लेकिन ये भी एक पड़ी रेखा के रूप में ही आय बेलोच बना रहता है और आय के सभी स्तरों पर यह स्थिर रहता है। किस प्रकार का निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आय में परिवर्तन होने पर भी इस प्रकार के निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश का आशय उस निवेश से होता है जो लाभ या आय के स्तर से प्रभावित होता है। मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आय से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो प्रेरित निवेश है वो आय से प्रभावित होता है। मींस प्रेरित निवेश आय और लाभ का क्या होता है, फलन होता है। जैसे इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं प्रेरित निवेश को, ब्याज दर, मजदूरी तथा कीमतों में परिवर्तन इसको प्रभावित कर सकते हैं। उसी प्रकार से मांग मात्रा भी प्रेरित निवेश को प्रभावित करती है। जैसे इस चित्र में II क्या है, जो II रेखा है वो क्या है, प्रेरित निवेश वक्र है, जो आय के विभिन्न स्तर पर निवेश मात्रा को व्यक्त कर रही है। जब इनकम OY2 है तो निवेश कितना है, I2 Y2 और जब I घटकर OY2 से कितनी हो जाती है, OY1 हो जाती है, तो निवेश भी घटकर क्या हो जाता है, शून्य रह जाता है। लेकिन जब I बढ़कर कितनी हो जाती है, OY3 हो जाती है, तो निवेश की मात्रा भी बढ़कर I3Y3 हो जाती है, मीन्स OM के बराबर निवेश में वृद्धि होती है। तो प्रेरित निवेश आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के घटने पर घटता है। अब प्रेरित निवेश भी दो चीज़ों पर डिपेंड रहता है, औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति। औसत निवेश प्रवृत्ति क्या है, औसत निवेश प्रवृत्ति से आशय कुल निवेश का कुल राष्ट्रीय आय से अनुपात के रूप में लगाया जाता है और इसका फॉर्मूला है कुल निवेश अपॉन कुल राष्ट्रीय आय। इन दोनों के अनुपात से हम औसत निवेश प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राष्ट्रीय आय कितनी है, 60 करोड़ रुपए है और निवेश कितना है, 12 करोड़ रुपए, तो 12/60 तो औसत निवेश प्रवृत्ति हो गई 0.2। सीमांत निवेश प्रवृत्ति,
सीमांत निवेश प्रवृत्ति का आशय कुल निवेश में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से लगाया जाता है। मींस सीमांत निवेश प्रवृत्ति को हम किससे ज्ञात करेंगे? कुल निवेश में परिवर्तन अपॉन कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से हम सीमांत निवेश प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो राष्ट्रीय आय हमने पहले क्या ली थी, जब औसत निवेश प्रवृत्ति ज्ञात की थी तो 60 करोड़ रुपये। अब राष्ट्रीय आय हम मान लेते हैं कि 60 करोड़ रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 80 करोड़ रुपये हो गई, तो और कुल निवेश 12 करोड़ रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 17 करोड़ रुपये हो गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, तो 17 माइनस 12 मीन्स 5 करोड़ रुपये का परिवर्तन हुआ किसमें, कुल निवेश में। जबकि राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन हुआ, 20 करोड़ रुपये का परिवर्तन हुआ। तो 5/20 तो सीमांत निवेश प्रवृत्ति हो गई 0.25। तो इस प्रकार से हम औसत निवेश प्रवृत्ति और सीमांत निवेश प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। सार्वजनिक निवेश, जैसे कि आधुनिक युग में सरकार आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी निवेश करती है, और सरकार या फिर सरकारी संस्थाओं द्वारा अर्थव्यवस्था में जो भी निवेश किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक निवेश कहते हैं। और वो सार्वजनिक निवेश क्या है, जैसे सड़कों, नहरों, स्कूल, अस्पताल या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के भवनों, रेलों या फिर जन सुविधाओं और अन्य कई विकास कार्यों पर किए जाने वाला निवेश ही क्या है, सार्वजनिक निवेश कहलाता है। सामान्यतः सार्वजनिक निवेश सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भी प्रेरित होता है। निजी निवेश, निजी व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों या फिर व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा जो निवेश किया जाता है वो क्या कहलाता है, निजी निवेश कहलाता है। निजी निवेश किस पर किस लिए किया जाता है, लाभ की प्रत्याशाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रत्याशा किस पर डिपेंड करती है, ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। इसीलिए निजी निवेश कब बढ़ेगा, जब ब्याज की दर नीची हो और पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची हो। और निजी निवेश कम कब होगा, जब ब्याज की दर ऊंची हो और पूंजी की सीमांत उत्पादकता नीची हो। ऐच्छिक अथवा योजनाबद्ध निवेश, इस निवेश का आशय किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किए गए योजनाबद्ध निवेश से है, जैसे भावी मांग में वृद्धि या फिर भावी कीमतों में वृद्धि की प्रत्याशा में ऊंचा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया उत्पादन क्षमता विस्तार में निवेश अथवा उत्पादन लागतें घटाने तथा लाभ अर्जन क्षमता बढ़ाने और सुनिश्चित नीति के अंतर्गत किया गया निवेश ही क्या कहलाता है, ऐच्छिक अथवा योजनाबद्ध निवेश कहलाता है। अनैच्छिक अथवा अनियोजित निवेश, इस प्रकार का निवेश बिना सोचे समझे किया जाता है, जो बिना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनियोजित ढंग से किया जाता है। जैसे कभी कभी मांग में अप्रत्याशित कमी के कारण या फिर बाजार अवरोधों जैसे हड़ताल, युद्ध आदि के कारण माल का अनावश्यक स्टॉक जमा हो जाता है, तो इसे भी किस प्रकार का निवेश कहा जाएगा, अनैच्छिक अथवा अनियोजित निवेश कहा जाएगा। सकल निवेश तथा विशुद्ध निवेश, किसी देश में एक निश्चित अवधि में किए गए समस्त पूंजीगत व्यय के जोड़ को क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। जबकि सकल निवेश में से वार्षिक मूल्यह्रास तथा अप्रचलन प्रभार को घटा दिया जाए तो जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, शुद्ध निवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से ये थे निवेश के प्रकार। अब हम देखेंगे निवेश की प्रेरणा। निवेश की प्रेरणा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। निवेश प्रेरणा ज्ञात होता है से हमें क्या ज्ञात होता है, कि उद्यमी निवेश करना पसंद करेगा या फिर नहीं। निजी क्षेत्र में उद्यमी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करता है, निवेश करता है। और एक निवेशकर्ता या तो अपनी बचत को निवेश करता है या फिर दूसरों से उधार लेकर निवेश करता है। तो इसीलिए निवेश की प्रेरणा दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर पर।
अब हम सबसे पहले देखेंगे पूंजी की सीमांत क्षमता या फिर उत्पादकता क्या है। पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जितना लाभ मिलने की संभावना होती है उसे एक निवेशकर्ता या तो अपनी बचत को निवेश करता है या फिर दूसरों से उधार लेकर निवेश करता है। और यदि वह अपनी बचत का निवेश करता है तो उसे जोखिम उठाने के साथ साथ क्या त्याग करना पड़ता है, ब्याज का भी त्याग करना पड़ता है जो वह अपनी बचत को उधार देकर प्राप्त कर सकता था। तो इसी प्रकार जब वह दूसरों से उधार लेकर निवेश करता है तो उसे जोखिम उठाने के साथ साथ दूसरों को क्या देना पड़ता है, ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। तो इसीलिए एक निवेशकर्ता तभी निवेश करेगा जब निवेश से प्राप्त अनुमानित आय ब्याज की दर से अधिक होगी। केंज ने निवेश से प्राप्त अनुमानित आय को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहा है। और पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो चीज़ों पर निर्भर करती है, दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करती है, वो है अनुमानित आय और पूर्ति कीमत। अनुमानित आय क्या है? किसी पूंजीगत पदार्थ जैसे मशीन की आशंसित आय से आशय उस कुल आय से है जो मशीन के संपूर्ण जीवन काल में उपलब्ध होती है। जैसे शुद्ध प्रतिफल का अनुमान लगाने के लिए मशीन के वार्षिक उत्पादन में से लागत को घटा दिया जाता है और किसी मशीन के जीवन काल के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध प्रतिफल को जोड़कर कुल अनुमानित आय ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है पूर्ति कीमत। पूर्ति कीमत से आशय किसी मशीन की लागत से है, किंतु ये वर्तमान मशीन की लागत न होकर बिल्कुल नई मशीन की लागत है। इसे उस मशीन की प्रतिस्थापन लागत भी कहा जाता है। तो अनुमानित आय में से पूर्ति कीमत निकालकर पूंजी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्याज की दर। निवेश करने के लिए यदि दूसरों से रुपया उधार लिया जाए तो उस पर क्या देना पड़ता है, हमें ब्याज देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि निवेशकर्ता के पास अपना धन है परंतु वह उस धन को सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने में लगा देता है तो इसे उस धन से ब्याज प्राप्त होगा, किंतु निवेश करने के फलस्वरूप उसे ब्याज का त्याग करना पड़ेगा। तो केंच के अनुसार ब्याज की दर एक तो मुद्रा की पूर्ति और दूसरी मुद्रा की मांग, इन दोनों पर निर्भर करती है। तो केंच के अनुसार किसी निश्चित काल में मुद्रा की पूर्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसीलिए ब्याज की दर मुख्य रूप से तरलता अधिमान पर निर्भर करती है। और केंच के अनुसार तरलता अधिमान कितने उद्देश्यों पर निर्भर करता है, तीन उद्देश्यों पर निर्भर करता है, सौदा उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा को नकदी रूप में रखना पसंद करेंगे पब्लिक। तो प्रत्येक उद्यमकर्ता निवेश करते समय पूंजी की सीमांत उत्पादकता अथवा लाभ की दर तथा ब्याज की दर की तुलना करता है। वह उस समय तक निवेश करता रहेगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता या फिर लाभ की दर तथा ब्याज की दर बराबर नहीं हो जाती। यदि अनुमानित लाभ ब्याज की दर से अधिक है तो क्या करेगा उद्यमी, निवेश में वृद्धि करेगा। और इसके विपरीत यदि ब्याज की दर अनुमानित लाभ से अधिक होती है तो निवेश करने की प्रेरणा नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक है तो एक निवेशकर्ता के द्वारा निवेश किया जाएगा, और यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से कम है तो निवेशकर्ता निवेश नहीं करेगा। और जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर के बराबर ना हो जाए तब तक एक निवेशकर्ता निवेश करते रहेगा। तो ये थे निवेश की प्रेरणा के विभिन्न तत्व। थैंक यू।